इस वक्त जिस सीसीटीवी फुटेज का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है वो आ चुका है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे मामले का पहला और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें न सिर्फ आकांक्षा दुबे दिख रही है बल्कि जो शख्स आकांक्षा के साथ होटल के अंदर कमरे के अंदर तक आया था वो भी दिख रहा है। आकांक्षा किस हाल में थी, आकांक्षा की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और साथ में आया शख्स कौन था और वो बार बार किसे फोन कर रहा था, ये सब आपको बताएंगे। तो आप पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखें और उसके बाद हम आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। तो पहले आपने देखा आकांक्षा ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहने कार से उतरती दिख रही है। आकांक्षा से पहले वो शख्स कार से उतरता है, आकांक्षा का बैग लेता है और फिर आगे का दरवाजा आकांक्षा के लिए खोलता है। आकांक्षा भी कार से उतरती है और दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। आकांक्षा आगे आगे और वो शख्स पीछे पीछे। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी में आकांक्षा और वो शख्स सीढ़ियों से ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं और कमरे में अंदर जाने से पहले बैग से आकांक्षा कुछ खोजती हुई भी दिख रही है। हो सकता है कि आकांक्षा दुबे चाबी या फिर मोबाइल ढूंढ रही हो। तीसरा सीसीटीवी देखिए, आप खुद देखिए, आकांक्षा बैग से कुछ ढूंढ रही है। वो शख्स किसी को लगातार फोन लगा रहा है। इसके बाद आकांक्षा रूम के अंदर चली जाती है और वो शख्स भी बैग लेकर रूम के अंदर चला जाता है। अब बड़ी बात यह है कि रात के 2 बजे वो शख्स बार बार किसे फोन कर रहा था, आखिर उस शख्स का असली मकसद क्या था। हालांकि अभी तक इतना ही सीसीटीवी फुटेज मिला है, मगर सामने आया कि ये शख्स करीब 17 मिनट तक आकांक्षा के कमरे के अंदर रहा था और 17 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। खैर, फिलहाल इस शख्स को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। तो सामने आया कि इस शख्स का नाम संदीप सिंह है और ये समर सिंह का बेहद करीबी है। आकांक्षा की मां मधु दुबे भी बार बार संदीप सिंह का नाम ले रही है और कहती दिख रही है कि पुलिस ने संदीप सिंह को क्यों छोड़ दिया। आकांक्षा की मां बार बार सवाल कर रही है कि पुलिस समर सिंह और उसके भाई को तो गिरफ्तार कर नहीं पाई और संदीप सिंह को भी छोड़ दिया। अब सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि 25 मार्च की आधी रात 1:50 पर संदीप सिंह आकांक्षा दुबे को ब्लैक कलर की कार से छोड़ने वाराणसी के सारनाथ स्थित होटल सोमेंद्र रेसिडेंसी तक आता है। उस समय न केवल संदीप सिंह ने आकांक्षा को होटल तक छोड़ा बल्कि वो होटल के कमरे के अंदर तक भी आया था और आकांक्षा दुबे के कमरे में उसके साथ कुछ वक्त रहा था। लगभग 17 मिनट तक दोनों एक साथ कमरे के अंदर थे, जिसके बाद संदीप सिंह होटल से निकलकर फिर से उसी कार में सवार होकर वहां से चला गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि संदीप सिंह और आकांक्षा दुबे 25 मार्च यानी कि रविवार की देर रात लगभग 1:50 पर काले रंग की एसयूवी गाड़ी से होटल के गेट के अंदर तक आते हैं। अब आकांक्षा की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आकांक्षा एकदम नॉर्मल लग रही थी। दोस्तों, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है या जो भी होटल बयान दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आकांक्षा सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। पहले होटल वाले कह रहे थे कि एक्ट्रेस नशे में लड़खड़ा रही थी और वो शख्स एक्ट्रेस को पकड़कर अंदर तक लाया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि आकांक्षा खुद चलकर आ रही है, सीढ़ियां भी खुद चढ़ रही है और एकदम नॉर्मल लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आकांक्षा नशे में थी। अब सीसीटीवी फुटेज को तो कोई नकार नहीं सकता। अब दोनों कमरे के अंदर जाते दिखे, मगर कमरे के अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। उस 17 मिनट में क्या कुछ हुआ ये अब तक नहीं पता। मगर अब बड़ा सवाल ये है कि संदीप और आकांक्षा के अलावा क्या कमरे में कोई और भी मौजूद था और संदीप सिंह को पुलिस ने क्यों छोड़ दिया। संदीप सिंह ही तो एकमात्र चश्मदीद है इस पूरे घटनाक्रम का, तो पुलिस ने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। ये सभी सवाल सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सामने आ रहे हैं और आकांक्षा दुबे की मां भी बार बार पुलिस से यही सवाल कर रही है कि संदीप सिंह को छोड़ क्यों दिया। सीसीटीवी फुटेज देखकर आपको क्या लगता है, पार्टी से लौटकर क्या आकांक्षा खुद ही खुद को मार सकती है या फिर संदीप सिंह के अलावा उस कमरे में कोई और भी मौजूद हो सकता है। आखिर उस 17 मिनट में क्या कुछ हुआ होगा। आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आकांक्षा को इंसाफ मिल सके। तो 4 दिन बाद आकांक्षा के फोन अनलॉक हो जाने के बाद जो बड़े सबूत सामने आए हैं उसे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आकांक्षा का फोन खुलते ही सबसे पहले जो चेक किया गया वो आकांक्षा का कॉल लॉक था।
वैसे तो फोन की कॉल डिटेल कंपनी की तरफ से भी मिल गई थी, मगर हैरानी ये थी कि आकांक्षा के फोन में समर सिंह के 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल थे। जी हाँ, ये कॉल डिटेल्स कहीं और नहीं दिखती, बल्कि ये सिर्फ फोन में ही दिखती हैं, तो वो यहाँ पर दिखा है। 25 मार्च की सुबह से लेकर 25 मार्च की देर शाम तक समर सिंह के ये मिस्ड कॉल्स थे, जो कि कॉल ही थे, लेकिन आकांक्षा ने फोन पिक नहीं किया था। यानी कि किसी बात को लेकर समर सिंह जबरदस्ती कर रहा होगा, किसी बात का वो दबाव बना रहा होगा, और वो बात, वो चीज आकांक्षा नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए समर सिंह का फोन पिक नहीं कर रही थी, समर सिंह को इग्नोर कर रही थी। 25 मार्च को ही 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स के बाद आकांक्षा ने समर सिंह को कॉल बैक किया और 3 बार आकांक्षा और समर सिंह के बीच फोन पर बात हुई। 25 मार्च की शाम को 4:30 बजे के आसपास पहली कॉल हुई और करीब 10 मिनट ये बातचीत हुई, और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ही करीब 5 बजे आकांक्षा ने कहा कि उसे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, यानी कि समर सिंह ने आकांक्षा को जबरदस्ती उस पार्टी में बुलाया था। इसमें आकांक्षा जाना नहीं चाहती थी और समर सिंह से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फोन नहीं उठाया, और मजबूरी में जब फोन उठाया तो जरूर समर सिंह ने किसी बात पर आकांक्षा को धमकाया होगा। उसके बाद ही आकांक्षा समर सिंह के साथ उस पार्टी में जाने को तैयार हुई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आगे देखिए, उसके बाद करीब 6:30 बजे के आसपास फिर से समर सिंह ने आकांक्षा को कॉल किया और यहाँ पर कुल मिलाकर 2 मिनट के आसपास दोनों की बातचीत हुई। यानी कि हो सकता है यहाँ पार्टी में चलने को लेकर फाइनल कॉल किया गया हो और उसके बाद आकांक्षा उस पार्टी में गई हो और फिर उस लड़के के साथ वापस आई, जो कि 17 मिनट तक आकांक्षा के रूम में रहा, और जब तक वो लड़का रूम में रहा तो उस दौरान यानी कि उस 17 मिनट तक कमरे की लाइट बंद थी, कमरे के वॉशरूम का नल चालू था, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे देखिए, उसके बाद देर रात को यानी कि आकांक्षा के होटल पहुंचने की देर रात को समर सिंह ने फिर से आकांक्षा को फोन किया और इस बार बहुत लंबी बातचीत दोनों के बीच हुई और बातचीत करीब 1.5 घंटे की बताई जा रही है। करीब 93 मिनट की ये बातचीत है और ये बातचीत ठीक उस घटना से पहले ही हुई है। आकांक्षा को उस कॉल में समर सिंह ने बुरी तरह से धमकाया होगा, डराया होगा और बहुत कुछ कहा होगा, इसीलिए तो जब आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आई तो वो लगातार रो रही थी, मुंह छिपाकर रो रही थी और काफी देर तक रोती दिखी थी। यानी कि कुछ न कुछ तो उस फोन कॉल में भी हुआ है, कुछ न कुछ तो समर सिंह ने कहा है, कुछ न कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसके बाद ही आकांक्षा इंस्टा पर लाइव आई, बिना कुछ बोले रोने लगी और बहुत रोई और उसके बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। अभी आईफोन का शुरुआती लॉक खुला है, यानी कि अभी सिर्फ फोन अनलॉक हुआ है, फोन से शुरुआती सबूत मिले हैं, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से फोन के सारे फीचर्स नहीं खुले हैं, फोन के अंदर एप्स और फोल्डर्स में भी लॉक लगाए गए हैं और करीब करीब हर जगह पर पासवर्ड और फिंगरप्रिंट लॉक लगाया गया है, लेकिन शुरुआती फोन अनलॉक होने के बाद बेहद ही गंभीर और भयानक खुलासे हो गए हैं और जल्द ही बाकी के खुलासे भी होने वाले हैं।